प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 4 दशक के सूखे को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी एक नई रणनीति के साथ उतरी हैं। वहीं कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं को भागते हुए प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा हो सकती हैं और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है। वहीं खबरें यह भी आ रही है कि प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के मुद्दे को भागते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जय जवान जय किसान की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं, जिसके लिए वे हरियाणा के जाट नेता दीपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के गुज्जर नेता सचिन पायलट का भी साथ ले सकती हैं। वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद एक महिला है, जिससे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में महिला वोटों का एक बड़ा साथ मिल सकता है। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।